वहीं बैतूल से इंदौर जा रहे रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा को देवास में पुलिस रोक कर थाने ले गई, फिर छोड़ दिया। इस दौरान अभय मिश्रा ने उद्योग एवं खनिज मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पुलिस से इनकाउंटर पर अपनी हत्या का आरोप लगाया। देवास के नेवार थाने में अभय को रोका गया, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ा गया। इसी दौरान अभय ने अपनी हत्या की बात कही। आइए सुनते हैं अभय ने नेवार थाने में अपनी गिरफ्तारी पर क्या कहा। जी, और मैं आया, मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ की पुलिस ने क्यों रोका। अच्छा। और मुझे पुलिस ने रोका, अंदर ले गई। हाँ। बैठाई और इसके बाद बोली कि गलती से हमने रोक लिया था, आप जा सकते हैं। अभी आपकी जो पत्नी है विधायक है नीला मिश्रा, उनका आरोप है कि राजेंद्र जो मंत्री राजेंद्र शुक्ला, उनको आपके ऊपर जानलेवा हमला करा सकते हैं, आपके पूरे परिवार को खतरा है, क्या कहें? इससे काउंटर करा सकते हैं, इस बात का खतरा है। क्यों खतरा है आपको, किस बात को लेकर खतरा है आपको? इस समय जो देश के अंदर दमन वाली आवाज उठाने की, हमारे यहाँ 6 आदिवासियों की हत्याएं हुई, उसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, 2 रुपए नहीं मिले, और बदले में ये कि जो भी आवाज उठाएगा उन सबको अंदर करो। अवैध अवैध खनन को लेकर तो ये पूरा मामला नहीं है कहीं ना कहीं, ये अवैध उत्खनन, राजेंद्र शुक्ला के अवैध उत्खनन और उनका जो बालू का धंधा और पूरा रीवा संगड़िया को बेच दिया, उसका जो विरोध किया गया उससे उठा हुआ ये मामला है। अभी आप कहाँ जा रहे थे? अभी हम जा रहे थे इंदौर। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम आ रहे हैं बैतूल से।